कुछ चीजें हैं जो आज मतलब हम लोग शायद जल्दीबाजी में थे और हमने इस चीज को मिस किया, क्योंकि इतनी हार्ड विंटर में ना हम मतलब पहली बार निकले हैं इस वाले सीजन के लिए, तो जो चीजें हम लोगों ने आज मिस की हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप हम लोगों को, भाई क्या सुंदर नज़ारा हो रहा है अभी इस टाइम। यहाँ पर ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, कल रात से मतलब कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल रुकी नहीं है अभी तक और चली रही है, कभी तेज कभी धीरे। और ये देखो गाइज क्या नज़ारा हो रहा है आज एडमिंटन का, एकदम शानदार। बिल्कुल ये देखो कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है। पार्थ जा रहा है अपनी स्विमिंग क्लास के लिए, अभी उसके जो लेवल 8 है उसकी यार सेकेंड क्लास है एक्चुअल वाली, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, रास्ते में हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ एडमिंटन के अंदर और स्पेसिफिकली मैं कहूँ कनाडा के अंदर, अगर मतलब हमारे लिए बहुत अच्छे जो मौसम होते हैं उसमें से ये एक मौसम है जो भाई स्नोफॉल का है ना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, देखा यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इधर की साइड में, लगता है कि आज यहाँ पे कोई छोटी मोटी पार्टी टाइप की है तो इसलिए रास्ता ब्लॉक कर रखा है और लोग लगे हैं साफ करने के लिए। हाँ ऐसे तो होगा ही पोलो। तो फ्रेंड जैसे मैं बता रहा था कि मतलब ये जो स्नोफॉल का अभी यहाँ पे सीजन चल रहा है, जो यहाँ एडमिंटन के बेस्ट मतलब एक तरह से मोमेंट्स हैं उसमें से एक है। और जैसे आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा कि यहाँ पर जब स्प्रिंग होती है तो कितने सुंदर ब्लॉसम्स होते हैं भाई, मतलब ऐसा मन करता है कि देखते रहो, कहीं जाओ ही मत, बस वहीं देखते रहो। फिर आप लोगों ने समर्स में देखा, जैसे हम लोग गए थे बैम्फ वगैरह, तो भाई वहाँ कितनी ग्रीनरी और जो लेक्स के पास में जो वादियाँ होती हैं भाई, कितना सुंदर मौसम होता है। एंड देन फिर फॉल्स में आपने देखे होंगे लीव्स के कैसे कैसे एकदम से ना स्टनिंग कलर्स थे भाई उस टाइम पर, वो मतलब एक से एक जो टाइम आता है ना उसी कंटिन्यूटी में देखो भाई ये। फिर अब यहाँ पर ये जो स्नोफॉल का सीज़न है इतना खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। और मैं तो मतलब हमेशा इस चीज़ को एडमायर करता हूँ कि यार मज़ा आ जाता है इस सीज़न में। हालांकि हर चीज़ के अपने एक तरीके से मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली कॉन्स होंगे इसके, आपके साथ वो भी शेयर किए हैं पुराने व्लॉग्स के अंदर, बट जो एक्चुअल में जो प्रोज है भाई उसको तो जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हम तो यार मतलब इंडिया में यूपी स्टेट से हैं और वहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हम लोगों के लिए तो स्नोफॉल कुछ ऐसा था कि कभी देखा ही नहीं था, और कभी हम लोग को तो कहीं जाने का भी मौका नहीं मिला। जैसे इंडिया में हम लोग के यहाँ मसूरी वगैरह या शिमला में वहाँ पर स्नोफॉल होती भी है, कभी मौका नहीं मिला हम लोग को, तो ये फर्स्ट टाइम था हम लोग का यहाँ कनाडा में आकर के हम लोग ने स्नोफॉल देखी है ना। पार हाँ। तो आप भी एंजॉय करते हो ना इस मौसम को? हाँ, मैं तो खूब खेलता हूँ। और पार्थ के लिए तो अच्छा ये होता है कि स्कूल में भी इनको एंजॉय करने का मिलता है ना। क्या क्या करते हैं पोलू वहाँ पे आप लोग? वहाँ पे स्लाइडिंग होती है। हाँ। और कभी कभी एक ऐसी चीज होती है जो पाव लगा के ना हाँ। उसको पकड़ के ऐसे मतलब कि वॉक करते हैं स्नो पे। हाँ। मतलब कि स्लाइड। और आपको मतलब वहाँ पे वो स्नोमैन वगैरह बनाने का है ना, स्नोबॉल के साथ खेलने का, इसके हाँ, लिए भी मतलब करते हैं ना। स्नोबॉल मेकर आता है। हाँ। और देखो फ्रेंड्स मतलब पार्थ अभी पूरी तरह से रेडी है इस स्नोफॉल के मतलब सीजन में अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फ्रेंड जैसे मैं बता रहा हूँ कि पार्थ ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है बिल्कुल इस स्नोफॉल के सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए, तो स्नो जैकेट है इसके पास में, उससे इसने अपना हेड भी कवर कर रखा है, और देखो हाथ में इसके पास में ये स्नो ग्लव्स हैं है ना। सो नॉर्मली तो मतलब हमारे पास में ये वाले ग्लव्स होते हैं, बट ये अभी स्नो में खेलने के लिए, स्नो के साथ में, तो पोलो के पास में हैं ये स्नो वाले ग्लव्स। और नीचे देखो इसने स्नो पैंट भी पहन रखी है ना पार्थ। हाँ, तो ये आपको हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ये काइंड ऑफ एक जैकेट है आपकी लैग के लिए। हाँ, है ना। और मैंने मेरे स्नो शूज भी पहन लिए। हाँ, तो जैसे स्नो में खेलना होगा बाहर तो ये आपको बहुत लंबे टाइम तक वार्म भी रखती है और पानी भी अंदर नहीं जाने देती है लेग्स के पास में। और जो स्नो शूज़ हमने रिसेंटली खरीदे थे पार्थ के लिए अभी नए वाले, वो स्नो शूज़ पहन रखे हैं, तो जैसे स्नो पे मतलब यहाँ पकड़ बनाने के लिए देखो जैसे ये शूज़ हैं यहाँ पे, देखो आपको इसके अंदर ये ग्रिप दिखाई दे रही होगी, तो इस तरह की ग्रिप बन जाती है तो हमें स्नो पे चलने में थोड़ा आसान होता है। तो इस तरीके से पार्थ रेडी हो गया है बिल्कुल। एंड फ्रेंड जैसे मतलब यहाँ कनाडा के अंदर अभी जैसे स्नोफॉल हो रही है और ये चलेगी अब पूरे सीज़न, मतलब 2-3 महीने का ये सीज़न रहेगा, तो ये काइंड ऑफ मतलब यहाँ के लोगों के लिए ना एक इनका अर्निंग का सोर्स भी होता है। होता हूँ कैसे कि मतलब यहाँ पे ना जो इसके विंटर के स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें स्नो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब उसमें स्कीइंग करते हैं लोग है ना, और जो है स्नो ट्यूबिंग करते हैं है ना, स्नो मोबाइलिंग करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो विंटर स्पोर्ट्स की हैं, स्नो पे डिपेंडेंट होती हैं, तो उससे भी लोगों के मतलब अर्निंग होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट होते हैं, आपको हमने अपने बैंक वाले उसमें दिखाया था व्लॉग के अंदर कितनी ऊंची वहाँ पे मतलब एक वहाँ पे उन्होंने से बना रखा था कि जहाँ पे लोग स्कीइंग करने जाते हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे मतलब विन्नी ने भी अच्छा खासा कोर्स कर रखा है, तो वो काइंड ऑफ एक बिगनर लेवल का तो मतलब अच्छा ट्रेन हो चुकी है,
तो हम लोग इस विंटर स्पोर्ट्स में मतलब उसको एंजॉय कराएंगे कि वो अपना आगे का जो लेवल है उस पर जाए और सीखे अपनी स्कीइंग को, एंजॉय करे। और पार्थ को भी हम लोग ट्राई कराएंगे कुछ, अगर वो कर सकता है तो। बाकी तो स्नो ट्यूबिंग हमने की है, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करना और देखना कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया है पुराने टाइम में। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर YMCA, चलते हैं अंदर और पार्थ का स्विमिंग लेसन कराते हैं, चलो। सो फ्रेंड्स, कल तो जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और वो पूरा दिन चली है भाई, मतलब रात तक स्नोफॉल हुई है। तो हम लोग कल तो कहीं भी नहीं निकले, जनरली होता है ना जैसे बारिश हो रही होती है तो बारिश में मतलब हम लोग कहीं जाना प्रेफर नहीं करते, आप लोग भी जाना प्रेफर नहीं करते होंगे। तो हमने कल तो पूरा दिन वेट किया, आज सुबह से स्नोफॉल नहीं हो रही है पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज भी निकले हैं हम लोग अपना ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, है ना फ्रेंड्स। और मैं देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है अभी इस टाइम पर। ये देखो, ये सड़क का इस तरीके का हाल है अभी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, ये काली काली सी मिट्टी सी हो रही है। तो ये मतलब जो स्नो थी कल की, वो स्नो के ऊपर गाड़ी चलते चलते और फिर इसके ऊपर ना थोड़ा सैंड डालते हैं जिससे कि ना फ्रिक्शन बनी रहे गाड़ी के लिए। तो स्नो के ऊपर जो सैंड है उसकी वजह से और जो गाड़ी के टायर है उसकी वजह से ब्लैक ब्लैक हो जाती है। और ये थोड़ा सा ना अभी मैं देख रहा हूँ, आज मैं पार्ट के साथ अभी डॉक्टर के यहाँ भी गया था, तो थोड़ा सा ना गाड़ियाँ देखो जैसे वो सामने जाती हुई दिख रही हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इकट्ठा हो जाता है ना सैंड जैसा, तो वहाँ थोड़ा सा इसको गाड़ी को चलने में मुश्किल होती है और कई बार वो हल्की सी वहाँ पर मतलब फिसलती भी है। तो मीनू, तुमने देखा जैसे हम लोग कई बार ना अपना उस पर स्ट्रीट लाइट पर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं तो गाड़ी हल्की सी वहाँ पे मतलब फिसल सी जाती है ना, फिसल सी जाके, तो हमें मतलब जब रेड लाइट पे भी खड़े हैं ना थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कोई भी गाड़ी आ रही है उसके लिए कि भाई किसी तरीके से, हाँ एग्जैक्टली, कोई बिल्कुल एकदम से नज़दीक आई है और वो वहाँ पे उस तरीके से मतलब पूरा ना मुड़ पाए तो वो दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जो म्यूनसिपैलिटी है ना मतलब उनको अपना काम अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे ये पाथवे है, ये कल से स्नो हो रही थी तो कम से कम भी तो लगभग 6 इंच के आसपास में यहाँ स्नो हो चुकी थी, बट वो बाद में अपनी मशीनें लेके आए और पूरा देखो क्लीन कर दिया उन्होंने, तो अभी चलने के लिए अच्छा हो गया है, आने तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर चलने के लिए। वो जो मशीन लेके रखते हैं उस मशीन से साइड में करते रहते हैं कि यहाँ पे चलने वाले तो मतलब आएंगे नहीं, चलने वाले के लिए ये वाली जगह है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सर फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पर, यहाँ से बस से जाएंगे हम लोग वार्ड में। और एक चीज़ ना बहुत अच्छी है, जैसे अभी इस टाइम फील्स लाइक में टेम्परेचर -17 के अराउंड हो रहा है और जो स्नो फॉल हुआ था उसकी वजह से तो ठंड बेहिसाब है भाई। पर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये देखो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से इन्होंने यहाँ क्यूबिकल बना रखा है और ये इस तरीके से है कि अगर बाहर हवा चल रही है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें सेफ रह सकते हो, है ना। बाहर हवा चल रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, बट मीनू तुम्हें क्या अंदर कैसे लग रहा है यहाँ पे? अंदर ठीक लग रहा है, बाहर तो अभी जाते तो फिर ठंड लगती, हवा लगती है ना, तो इसमें नहीं लगती। इसमें लगती, हालांकि है थोड़े छोटे और शायद इन्होंने यही सोच के बना रखी कि बहुत ज्यादा लोग आते नहीं है ना, बस में चले जाते हैं एकदम सभी। हाँ, लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं बहुत सारे लोग, तो मतलब हम ही जैसे लोग हैं जो टेम्परेरी यहाँ रहते हैं, तो हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, बस से यूज करते हैं, तो नॉर्मली इतनी ठंड में लोग गाड़ी से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं। और बस वाले लोग भी मतलब जैसे एक स्टॉप पे तो कम ही लोग होते हैं, यहाँ कनाडा में लोग है भी कम, तो इसलिए छोटी जगह बना रखी है, दो चार ही खड़े रहते हैं। पर बाकी जो ट्रांजिट सेंटर होते हैं उनमें ये बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। है ना, जैसे हमने सेंचुरी पार्क पे भी देखा है और हम वहाँ पे जाते हैं, हाँ मिल उठ जाते हैं वहाँ, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बस का यूज करना चाहते हो तो आपको बहुत डरना है कि भाई कहीं अगर फंस गए तो कैसे होगा, इसमें सही है। हाँ, वॉलमार्ट से वापस आएंगे तो अभी हम लोग को ये मिल जाएगा, है ना। एंड फ्रेंड्स देखो, यहाँ बाहर किसी ने मतलब इसको टच नहीं किया है स्नो को, तो यहाँ देखो भाई से मतलब एकदम ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे ग्लेशियर से, है ना, बिल्कुल एकदम से स्नो की चादर बनी हुई है बहुत भयंकर तरीके से। मेरे ख्याल से ना होने में 6 इंच से ऊपर होगी। देखो पार्थ भी घूमते बाहर पहुंच गए ये पीछे देखो, ये दिखा रहा है पूरा शू नीचे पहुंच गया इसका। सो फ्रेंड्स, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके तो हम लोग घर आ गए हैं, बट आज जो मतलब ठंड लगी है ना जबरदस्त वाली थी बिल्कुल। और जैसे आप लोग को हमने अपने पुराने व्लॉग्स में बताया कि जैसे हम इस वाले जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा विंटर का, इसमें व्लॉग करना बाहर बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसी वजह से हम आज बाहर का तो बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो आज मतलब हम लोग शायद जल्दीबाजी में थे और हमने इस चीज़ को मिस किया, क्योंकि इतनी हार्ड विंटर में ना हम मतलब पहली बार निकले हैं इस वाले सीजन के लिए, तो जो चीज़ें हम लोगों ने आज मिस की हैं
वो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे कि मतलब आप लोग कभी कभी मतलब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप लोग के भी एक काम आए, है ना। तो जैसे एक चीज क्या थी मैंने हम लोग की आज हमने मिस की, ग्लव्स, है ना। तो जो ग्लव्स थे वो ग्लव्स हम अपने वुलन वाले पहन के गए, पर वो ये बिल्कुल काम नहीं करे। हाँ, इतनी ठंड लग रही थी, मतलब जैकेट के अंदर हाथ डाल के भी तब भी ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। जो फॉल वाला सीजन था उसके लिए तो वुलन वाले ठीक थे, बट ये जो अभी -17 के अराउंड था जो फील्स लाइक वाला, वो भी तब जब कल एकदम से ना बहुत ज्यादा स्नो फॉल हुई थी, और आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ना स्नो हवा में ही घूम रही है, अभी चल रही थी। हाँ, तो उससे ज्यादा ठंड लग रही। तो ये मिटन होते हैं बेसिकली, वो वाले ना थोड़े से जैसे जैकेट वाले टाइप के मतलब कपड़े के बने होते हैं, वो अच्छे होते हैं स्नो के लिए। उसमें अगर आप अंदर ये वुलन वाला पहन लो तब तो बहुत ही बढ़िया है। फिर तो हमने आज वो मिस कर दिया, वो हम लोग भूल गए। तो जो हम लोग मतलब अपनी कार्ट वगैरह भी लेके गए या फिर उधर से आते हुए बैग लेके हाथ में, तो बहुत ठंडे लगे हाथ, अभी भी हाथ को ऐसे लग रहा है कि इसे पता ही नहीं कि मतलब हाथ है भी नहीं है। और एक चीज और जो मतलब आज हम लोगों से मिस हुई, हमारे पास घर में वुलन वाली सॉक्स तो है, बट जो हम लोग आज अपने वो पहन के गए यहाँ से एक तरीके से स्नो शूज थे, उसमें अपनी जो हमारी जो समर वाली सॉक्स थी हम वही पहन के चले गए, तो उसने भी हम लोग को थोड़ी तकलीफ दी। ठंडे पांव हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो वाली पहन के रखते ना तो सही रहता, हाँ। गर्म रहता, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि ये वुलन वाली पहननी होती है। और एक चीज जो और आज हम लोगों ने मिस की वो चीज थी कि मतलब हमारे पास में स्नो पैंट है तो सही, बट पार्थ के अलावा बाकी हम तीनों में से किसी ने भी स्नो पैंट नहीं पहन रखी थी, पूरे ठंडे हो गए पैर ऊपर से लेके नीचे तक। तो मीनाक्षी ने तो ये वुलन वाली जबकि पजामी भी पहनी हुई थी, बट इसके बावजूद भी इसको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करी है, पैर बिल्कुल सुन हो गए। तो फ्रेंड जैसे मतलब जो लोग के पास में अपनी गाड़ी है कार है मतलब, तो वो लोग को तो घर से ही कार में जाना है, जाकर के वहाँ पे मॉल के सामने अपना वहाँ पे गाड़ी में से उतरना है, तो उनको ये सब चीजें इतनी शायद जरूरत नहीं होंगी, और उनको इन चीजों की मतलब ऐसे लगता नहीं होगा कि हाँ ये हमको चाहिए ही। बट जैसे हम लोग है हमारे पास कार नहीं है, हम मोस्टली जो है अपना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है पब्लिक वाला उसी को यूज करते हैं, तो हमको मतलब ये सारी चीजें चाहिए है ना। तो अपनी अच्छी वाली जैकेट अंदर से लेयरिंग और ऊपर मतलब टोपा भी, उसके ऊपर फिर वो जैकेट वाला टोपा भी, है ना। कई बार गले को अपना स्कार्फ हो गया है जैसे कोई मफलर वगैरह हो गया है ना, तो वो चीजें कवर कर ली, और हाथ में फिर अपना वो अंदर वुलन वाला हो गया, उसके ऊपर फिर वो जैकेट वाले मिटन हो गए है ना, और फिर नीचे भी अपनी स्नो पैंट हो गई, और जैकेट भी अच्छी वाली जो बिल्कुल मतलब -20-25 वाली होती हैं वो रखनी वाली होती हैं हम लोगों को, और शूज के अंदर फिर वो वुलन वाली जो सॉक्स हैं स्पेशली वो डालनी है। तो ये सारी चीजें मतलब हमने सोचा कि आप लोग के साथ डिस्कस कर लें। हो सकता है कि आप कुछ लोग मतलब यहाँ पे कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो और आप लोग को ये चीजें नहीं पता हो, और आप एकदम सडनली ऐसे मौसम में बाहर निकले जो मौसम है वो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।